फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे तीन नए आईपीओ के जो एसएमई आईपीओ है और आने वाले हैं अभी। पहले तो मैं ये बता दूं, मैं तो बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ एसएमई आईपीओ का, क्योंकि आपको भी पता है कि ये हमेशा ही प्रॉफिट देके जाते हैं। मोस्टली 90% जो एसएमई आईपीओ होते हैं वो आपको पैसा बना के ही देके जाते हैं, वो भी फर्स्ट डे। आपकी मर्जी है, आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको आगे फॉरवर्ड करो ना करो, उसको कैरी करो ना करो, लेकिन वो फर्स्ट डे ही बहुत अच्छा रिटर्न दे जाते हैं, एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न, मोर देन सेटिस्फैक्टरी रिटर्न। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ आपका इंतजार खत्म हुआ है। मैं तीन ऐसी कंपनियों की बात कर रही हूँ यहाँ पे जो अपना आईपीओ लेके आ रही है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि उनके प्राइस तो आ गए हैं बट उनकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो आप वेट कीजिएगा कि उनकी डेट की अनाउंसमेंट होने की। जैसी उनकी डेट अनाउंस होगी, डेफिनेटली मैं 1-to-1 वीडियो लेके आऊंगी आपको ये बताने के लिए कि इसकी डेट अनाउंस हो गई है, तो आपको वेट ना करना पड़े और आपके हाथ से ये आईपीओ निकले ना, और आप टाइम पे इसमें पैसा लगा सके। तो पहले मैं बात करूंगी पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड की। ये ऐसी कंपनी है जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल बनाती है, जिसका प्राइस है 27 रुपए। दोस्तों आपको भी पता है कि 27 रुपए में कुछ नहीं होता, आज की रेट में 27 रुपीज में कुछ नहीं मिलता, और लेकिन यहाँ पे 27 रुपीज में आपको एक शेयर मिल रहा है। इसका जो लॉट साइज है 4,000 शेयर्स का लॉट है, 1,08,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको मिल जाता ये तो इससे बड़ी लॉटरी कोई नहीं होगी आपके लिए। 27 रुपए का स्टॉक है, अगर आपको मिल जाता है 10 रुपए ऊपर भी खुलता है ये, 37 रुपए का भी खुलता है आपको, तो भी 50% का प्रॉफिट देके जाता है। लेकिन चलो ये तो हम बाद में बात करेंगे कि ये कितने रुपए ऊपर खुलेगा या क्या आपको प्रॉफिट देगा। मैं आपको ये बता रही हूँ बस कि 27 रुपए का ये आईपीओ जल्दी ही आने वाला है। दूसरी कंपनी की मैं बात कर रही हूँ जिसका नाम है सेंट्रिका रियलटर्स लिमिटेड, जो की होटल डेवलपमेंट में काम करती है। कंपनी बहुत अच्छी है, 125 रुपए के प्राइस के साथ अपना आईपीओ लेके आ रही है। लेकिन अगेन मैं आपको वही कह रही हूँ कि अभी मैं डेट आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। वो तो खैर मैं बाद में ही, डेट आने के बाद ही आपको बताऊंगी इसकी पूरी स्टोरी कि आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो एसएमई आईपीओ है वो मोस्टली प्रॉफिट ही देके जाते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है इनके साथ। जब जब भी अलॉटमेंट मिली है एसएमई आईपीओ की, मैंने देखा है कि सारे ही प्रॉफिट में गए हैं जिनकी अलॉटमेंट मुझे मिली है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसमें अलॉटमेंट मिलना, लेकिन हमारा तो काम है कि ट्राई करते रहना, क्योंकि इसकी अलॉटमेंट किसी लॉटरी से कम नहीं होती, और ऐसी लॉटरी जिसका हमें पता है कि वो हमें प्रॉफिट देके ही जाएगी। तो इसका जो लॉट साइज है वो 1,000 का है, और इन्वेस्टमेंट है 1,25,000 रुपए की, मतलब 1,25,000 रुपए का एक लॉट आपका लगेगा, वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब तीसरी कंपनी की मैं बात करती हूँ। तीसरी कंपनी है आईटी कॉन्स ई सॉल्यूशंस, जो कि एचआर सर्विसेज में डील करती है। मतलब ऐसे जो लोग हैं जॉब के लिए जा रहे हैं या जिनको एचआर सॉल्यूशंस चाहिए कंपनीज को, उनसे ये डील करती है। 51 रुपए का प्राइस के साथ कंपनी का आईपीओ आ रहा है, लॉट साइज है इसका 2,000, और 1,02,000 रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट है। 1,02,000 रुपए इज नथिंग, इसके दो लॉट अप्लाई कर सकते हो जिसका प्राइस होगा 51 रुपीज के बैंड के साथ। बैंड तो चलता ही नहीं है, आपको पता ही है एसएमई में तो फिक्स प्राइस होता है, तो 51 रुपीज का प्राइस है इसका, 2,000 शेयर्स का लॉट है। तो फ्रेंड्स, ये तीन आईपीओ आने वाले हैं, आप लोग भी तैयार रहिए मार्केट में अगर आपके पास डीमेट नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि बिना डीमेट अकाउंट के आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास डीमेट नहीं है तो आपके पास टाइम है अभी भी, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले ही बना दी है। आपके पास अभी टाइम है, आप नीचे लिंक में जाके और हमारी वेबसाइट पे जाके डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई एडवाइस चाहिए किसी भी तरह की, तो आप हमारे एक्सपर्ट से एडवाइस भी ले सकते हैं। तो मैं आगे आगे आऊंगी दोबारा आईपीओस के ऊपर डिटेल वीडियो लेंगे कि इनमें आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और क्या कंपनी की डिटेल है, क्या कंपनी करती है, और क्या इसकी आईपीओ की लिस्टिंग डेट होगी, और क्या इसकी मेन ओपन डेट होगी, ओपन क्लोजिंग डेट के साथ मैं आऊंगी दोबारा। थैंक यू।